लर्निंग टेक्स टाइम, ये कॉन्सेप्ट है। बिना आधार के कौन मकान होगा यार, किसी चीज को सीखने में ही समय लगता है। तुम इसके बिना अगर यहां पहुंचोगे कोई फायदा नहीं। बताओ, सभी परीक्षाओं पर, सभी, बिना आधार के कौन मकान होगा यार? बिना बेस के मकान हो सकता है? नहीं। हाँ, नहीं, तुमने इंटर किससे किया? पीसीबीएम से, बीसीबी से, एग्रीकल्चर से किया? अच्छा, तो तुम्हारे लिए एनसीईआरटी पढ़ना अच्छा होगा, बढ़िया होगा। नहीं, समय नहीं लेगी, यही तो तुम समझ नहीं पा रहे हो। हाँ, दूसरा मुद्दा मैं बोल रहा हूँ, बैठो बैठो। बाइक चला लेते हो? जब सीखे थे तो कितनी गति पे चलाते थे? 30-20। अब 100। बैठो। लर्निंग जो है, लर्निंग टेक्स टाइम, ये कॉन्सेप्ट है। किसी चीज को सीखने में ही समय लगता है। जैसे इन्होंने कहा, जब मैंने बाइक सीखा तो मैं 20 की स्पीड पे चलाता था, उस वक्त 70 चला लेते तो या तो ये रहते या बाइक रहती। लेकिन अब इन्होंने सीख लिया, अब अगर ये हार्ले डेविडसन पे बैठ जाएं, 140 की स्पीड पे एक्सप्रेसवे पे चलेंगे ये। लर्निंग टेक्स टाइम। जब तुम किसी चीज को सीखते हो तो जब तक सीखते हो तभी तक टाइम लगता है। एक बार सीख गए तो टाइम नहीं लगता। ऐसे पढ़ाई भी है। अब जैसे तुम हिस्ट्री पढ़ना शुरू करोगे, ज्योग्राफी पढ़ना शुरू करोगे, तो क्यों पढ़ें भाई? पहला सवाल यही है। और तुम ये सवाल पूछते नहीं कि क्यों पढ़ें। तुम पढ़ना चाहते हो, क्यों ये नहीं पता। तुम इसके बिना अगर यहां पहुंचोगे कोई फायदा नहीं। प्रिपरेशन का जो पहला चरण है, पहला, वह है तुम्हारी बेसिक्स बहुत कायदे से तैयार होनी चाहिए।